चलिए दोस्तों, अब मैं आपको घुमाने वाला हूँ कोटरा। जी हाँ, ये भी बहुत फेमस जगह है हमारे इधर की, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर कुछ मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों को भी दिखाऊंगा, पहाड़ों से नीचे का नज़ारा कैसा लगता है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो ये तालाब है, और तालाब में पूरे शायद कमल ही कमल के वो पत्ते हैं, और शायद यहाँ कमल बहुत सारे उगेंगे क्योंकि इस तालाब में अक्सर कमल उगते हैं। और आप आसपास देख सकते हो बहुत पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, और इन पहाड़ों के बीच में ये एक छोटा सा तालाब है। और इसके बाद आपको इस तालाब देखने के बाद मैं आपको बताऊँगा कुछ मंदिर का नज़ारा है जो यहाँ पर दरअसल हैं। ये पूरा व्यू है यहाँ का, और यहाँ पर भी लोग घूमने आते रहते हैं, कुछ तफरी में बैठे हुए लोग। एक्चुअली ये यहाँ पर पहाड़ है और पहाड़ों पर ही कुछ मंदिर है, ये उसके एंट्री गेट है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं आखिरकार के कितना ज़्यादा ऊपर है, बहुत ऊपर तक है, और बहुत शानदार जगह है घूमने लायक, बहुत नेचुरल प्लेस है, और शायद आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक्चुअली बहुत शानदार ब्यूटीफुल नेचुरल पैलेस है और घूमने लायक चीज़ है। तो चलिए मैं आपको अब आपको ऊपर तक लेके दे चलता हूँ, जहाँ हम लास्ट पोजीशन में जाएंगे। और लास्ट पोजीशन मतलब बहुत ऊपर, यहाँ से चढ़ने में ही मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा थकान फील हो जाएगी, बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ऊपर तक। तो चलिए आपको डायरेक्टली मैं ऊपर ही लेके चलता हूँ, और नीचे का नज़ारा कम दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, बैटरी भी शट डाउन होने वाली है। तो चलिए शायद यहीं से ये एंट्री है, और बहुत शानदार नज़ारा यार, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, मतलब कह सकते हैं नेचुरल जो पैलेस होता है ना, ऐसा हमें बहुत कम। बहुत सीढ़ियाँ हैं, ये ये ऐसे पत्थरों पर रखा हुआ है पूरा मंदिर। ये मंदिर बना है ना, ये कुछ देवता है, ये पूरे पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ पर ऐसे इस मंदिर को बनाया गया, आप देख सकते हो, मतलब चट्टानों की ही के ऊपर चट्टाने रखी गई है और उसको बनाया गया है ऐसे। ये आप देख सकते हो, वाव। पहाड़ का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। जय माता दी, जय माता दी। कुछ ये भक्तजन यहाँ आते रहते हैं एक्चुअली, और पूरे पूरा पहाड़ पर एक्चुअली ये मंदिर। आप रत्नेश भैया हो? हाँ, आप मेरे को याद दिलाओ। हम वर्मा जी के बहुत खास मित्र थे, हुकम देव। अच्छा, मेरे को ऐसा ही है। जय माता दी। ये पूरा नजारा है, और मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए मंदिर बना हुआ, यहाँ से इसका देखिए ये शानदार नज़ारा है। अभी जो पहाड़ है वहाँ नहीं गए हैं, ये मंदिर इस पर बना हुआ है। ये
तो ये मैंने आपको बताया, देखिए पूरे पहाड़ों के ऊपर ये मंदिर पैलेस हैं और बड़ा शानदार नज़ारा। अब चलिए पहाड़ पर चलते हैं, वहाँ से भी कुछ नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो पहाड़ है थोड़ा सा, ये यहाँ से पहाड़ों की एंट्री होती है, यहाँ से जाते देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये बहुत सारी पब्लिक जाती है एक्चुअली पहाड़ पर घूमने के लिए, बहुत शानदार है। ये देख सकते हो पहाड़ पर आ चुका हूँ मैं और एक खुद चट्टान पर खड़ा हूँ, और यहाँ के बाद ये जो व्यू आप एंगल देख रहे हो ये नीचे का है, इससे भी ऊपर अभी और पहाड़ है, वहाँ पर भी मैं आपको जाऊँगा। लेकिन ये देख सकते हो पूरा पहाड़ ही पहाड़ का नज़ारा है पूरा, ये और भी इसके थोड़ा सा और ऊपर है, और उसके बाद आपको पूरा ये एक्चुअली नरसिंहगढ़ को मिनी कश्मीर कहा जाता है, तो ये कोटरा कोई जगह है, और पूरे यहाँ वन जो क्षेत्र हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी घने तौर पर हैं, और पास में जू भी लगा हुआ है, शायद नरसिंहगढ़ में है शायद, तो कभी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप इसका आनंद लीजिए यार, बहुत शानदार जगह है, मन करता है यहीं पर पूरा दिन बिताएं। चलिए तो ये मैं बिल्कुल पहाड़ों पर आके खड़ा हो गया हूँ, आपको कैसा लग रहा है पहाड़ों का नज़ारा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरे पीछे का व्यू है पूरा, और शानदार, बहुत शानदार, पूरी जगह घूम गया मैं, नीचे तालाब भी है। चलिए अब आपको और ऊपर लेके चलता हूँ, ये बहुत ठाने चट्टाने हैं बिल्कुल, और अगर नहीं देखिए ये पूरा व्यू मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से, और भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग यहाँ विज़िट करने आते हैं, घूमने आते हैं, पर सबसे बेहतरीन नज़ारा यार पहाड़ों के ऊपर, वाह, मेरा तो पसीना पसीना हो गया, लेकिन फिर भी देख सकते हो आप कितना शानदार नज़ारा है। और आपको अगर घूम के बताऊँ तो यहाँ पर गौ माता भी आपको नज़र आएगी, ये चल रही है देखो ये, वाह यार बहुत शानदार एंगल। और अब आपको मैं पूरा एक बार पर्वत का जो नज़ारा है वो भी दिखाऊँगा, चलिए वो अब आपको दिखा देता हूँ, मेरा चेहरा तो आपने बहुत देख रखा है, ये है, वाह गुड यार, वाह क्या नजारा है नीचे का, और भी ऊपर है थोड़ा सा, और ऊपर चढ़ सकते हो आप, हम नीचे हैं। ये चारों तरफ है ना पर्वत ही पर्वत है, मतलब बहुत चट्टानों वाला जो पहाड़ होते हैं ना, तो चारों तरफ पहाड़ है, और नीचे कितने फीट गहरी होगी ये जगह अनुमान लगाना मुश्किल है, 1000 फीट से तो ज़्यादा होगी मान के चलिए। वाह यार, कुछ यहाँ पर ऐसी गुफा भी है जिसमें लोग अंदर जाते हैं और उसमें से निकलते हैं बाहर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए वो भी देखना ज़रूरी है आपको। उस गुफा में से अंदर मतलब एक ही व्यक्ति एक बार जा सकता है और दूसरी बार वो नहीं जा सकता, क्योंकि दरअसल वो बहुत संकरी है, बहुत बहुत पतली है, और उस बहुत पतली के चलते ही मतलब एक 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 टाइम पर एक ही व्यक्ति जा सकता है, अगर दो जाएंगे तो फंस जाएंगे, और अभी तक ऐसा केस तो नहीं हुआ, मतलब बहुत डरावनी है, बहुत 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 ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत डीप में भी है, और लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि जिसकी वजह से लोग ना जाएं, लेकिन जाते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लोग जा रहे हैं, गौ माता भी यहाँ चल रही है, ये देखिए वहाँ पर लोग जा रहे हैं, शायद आपको नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पर हैं और यहाँ पर जा रहे हैं लोग, चलिए ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये जा रहे हैं, यहाँ एक गुफा है, उस गुफा को मैं तो नहीं जाऊँगा अंदर, मेरे पास तो जाने के नहीं, लेकिन देखिए वो बाई जा रही है, पता नहीं कितनी अंदर है वो, कितनी गहरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप है, मुझे तो वैसे भी देखने में
ऐसा सुना था कि बहुत मोटे लोग नहीं जा सकते उसमें, पता नहीं कैसे एडजस्ट होते होंगे। ये दरअसल ये कोई गुफा है, ये भाई बैठा हुआ है, शायद यहीं से जाने का रास्ता होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए वो दादा झक रहे हैं, उनका वो सर दिख रहा है ना, यहीं से अंदर होते हुए जाता है। क्यों मोटा व्यक्ति आ जाता है अंदर हैं? ऐसे में तकलीफ तो नहीं है? अच्छा मजा आता। अरे मजे तो आते हैं, फंस जाओ तो कहाँ निकलते फिरोगे। देखो ये बहुत सारी भाई बहन भी जा रही है अंदर। चलिए मैं आपको एक बार गुफा के अंदर का नजारा दिखा देता हूँ, कैसा लगता होगा ये। चलिए ये इस गुफा का रास्ता है, ये देखिए, ये ऐसा ऐसा पत्थर रखा हुआ बहुत ज्यादा, और ये भाई नहीं जा रही अंदर, उनसे शायद हो सकता है। नहीं ये भाई अंदर जा रही है, देखो मुझे नहीं पता कैसे जाएंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं चल रही हूँ। ये वो दादा एक खड़े होंगे, शायद आपको नजर आ रहे होंगे, भाई से नहीं दिख रहे होंगे अभी। ये भाई क्या कहते हैं ऐसे करके निकलो भाई, तिरछी होके ये पूरे ऊपर से बंद है। ये आप देख रहे हो, ये ऐसी गुफा में अंदर जाते हैं, ये बाप रे बहुत डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी जाते हैं, और बहुत सक्रिय जगह है। और एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है, दो बार नहीं जा, मतलब दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, एक बार में एक ही व्यक्ति जाता है। ये पूरा देखिए, ये एक और होके जाना है भाई, एक और भाई जा रही है, ये ना ये भी अंदर जा रही है। ये ऊपर पूरा पहाड़ है और ये नीचे गुफा है और इसमें से अंदर जाते हैं। देखिए ये भी भाई भी जा रही है, एक ऐसे तिरछा होना भाई, हाँ ऐसे ट्रिक है निकलने की, तिरछा होना पड़ता है और आप सीधे सीधे अगर लेट के खड़ा सब बचे। ये देखिए ये भाई गई है और शायद अंदर अरे खूब आराम से निकल जाओगे आप। ये देखिए ये पूरा मैंने नजारा दिखा दिया, ऐसे 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 ये जो निकलते हैं, यही है कि एक टाइम में एक ही व्यक्ति जा सकता है, दो नहीं जा सकते। और निकल और ये निकलने की ट्रिक कुछ ऐसी है कि ऐसे तिरछा होना पड़ता है और फ्लैट बॉडी में आप नहीं जा सकते। मतलब ये कुछ सिस्टर भी आई है, ये भी निकलेंगे शायद यहाँ से। फर्स्ट टाइम निकल रहे हो आप सिस्टर? आप फर्स्ट टाइम निकल रहे हो? ये सिस्टर फर्स्ट टाइम निकल रही है, और मैं तो अभी तक अंदर नहीं गया, पर मुझे देखते ही मुझे डर लग रहा है कि हो सकता है कि मैं फंस जाऊं। ये नहीं फंसेंगे, इनको डर है कि फंस जाएंगे, लेकिन ये भैया बैठे हैं, ये यहीं गांव के होंगे शायद, ये बताते हैं कैसे। ये पूरा पहाड़ पर तो ये नजारा बड़ा शानदार है यार, देखने में लगता है कि क्या है। और इससे इससे निकलने से क्या होता है मुझे नहीं पता है, मैं पूछूंगा इससे। क्यों भाई इस क्यों दादा? ओ भैया ये यहाँ से निकलने से कुछ होता है क्या, ऐसी मन्नत वन्नत कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? अच्छा ये परिक्रमा है, ओके 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 ओके। ये यहाँ से निकलेंगे और ये डायरेक्टली भैरव महाराज है कहीं नीचे, वहाँ डायरेक्टली जाके निकलेंगे, ये यहाँ से एंट्री करेंगे जैसे ही, तो कुछ परिक्रमा शायद है वो देवता का इसलिए। तो ये देखिए ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए ये सिस्टर भी जाएंगे। अच्छा लग रहा है, मतलब यहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही थोड़ा सा बीच में थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बाकी फिर फ्लैट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम तो कभी निकलेंगे जब हमारे पास कुछ बॉक्स नहीं रहेंगे, कैमरा नहीं रहेगा तब। बाकी आज आपको मैंने बता दिया कैसा लगा ये व्यू, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब लास्ट सिस्टर बच्ची है वो भी जा रही है, जैसे उनको पसीना बहुत आ रहा है, जाने में डर लग रहा होगा। अच्छा वो एक्सपीरियंस होल्डर है, उन्हें डर नहीं लग रहा, मैंने सोचा फर्स्ट टाइम है। तो दोस्तों मैंने मन बनाया क्यों ना मैं भी इस गुफा के अंदर जाऊं, तो चलिए मैं आपको इस गुफा के अंदर जब तक जा सकता हूं जाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर मैं रिटर्न हो जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसी है,
और जाने को नहीं बन रहा है, मैं फंस गया हूँ ये मान के चलिए। ये बहुत ज़्यादा, बाप रे मेरे कैमरे वैमरे फंस गए हैं, तो ये मेरे से नहीं जब आ रहा है, मैं रिटर्न हो जाऊँगा। एक्चुअली ये आपको देख सकते हो इतनी संकरी है ये, और ये इसमें मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं इसी के बीच में इसमें फ्लैट होके जाना है, पता नहीं कैसे जाना है। चलिए शायद ये लास्ट मोमेंट है मेरा, और ये देखिए बीच में फंसा हुआ हूँ मैं बिल्कुल। चलिए निकलता हूँ, ये मेरा लास्ट का है। मैं निकल गया हूँ, ये निकल गया हूँ यहाँ पर। ये बस इतनी सी मेन प्रॉब्लम है, बाकी गुड है, शानदार है। ये निकल गया मैं ये, और ये रास्ता आ गया आपका नीचे। वो भैया हाथ हिला रहे हैं, वो मदद करते हैं सबकी निकालने में, बताते हैं ट्रिक के कैसे निकलना है कैसे नहीं। ये हमारे भैया दिखाने वाले हैं कि नीचे कैसे उतरना है, ये गाइड मान सकते हो आप इन्हें, और ये लोगों की मदद करते हैं। ये हाथ हिला रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं वो। हाँ निकली, ये देखिए इसके अंदर और जाएंगे ये। बापरे इतनी बड़ी चट्टान, अगर ये हल्की सी घुस जाए, देखिए कितनी बड़ी चट्टान, और ये नीचे जा रहे हैं। ये कुछ सिस्टर उलझी हुई है, अभी तो नीचे नहीं पहुंचे, पर मैं भी उनके नीचे नीचे आ गया। और ये देखिए ये भैया जा रहे हैं, और जितनी भी पब्लिक अभी आई थी वो सभी उलझी हुई है ना वहाँ पर। ये तो देखिए ये पूरी गुफा है, और पूरी गुफा के अंदर कुछ लोग जा रहे हैं, ये फंसे हुए हैं। मैं भी इस गुफा के अंदर बैठा हूँ। ये देखिए ये जा रही पब्लिक, मैं कैसे जाऊंगा मुझे नहीं पता, मेरे पास बैग भी है। ये देखिए ये सिस्टर फंस गई है, और इनको देखकर वो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली न्यूट्रल है पूरा, इनके पास में बैग नहीं है, और मेरे पास बैग है तो मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा एक्चुअली। ऊपर नहीं जाएगा? अरे बाप रे, ये बता रहे ऊपर नहीं जा पाएंगे। आपका यार उसमें वो बहुत सारा सामान है, वो कहीं टकरा तो नहीं जाएगा? यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होगा, साला मुझे पता होता नहीं आते। ये बता रहे कब रिटर्न, शायद यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी फील होती होगी। देखिए जो मैंने आपको बताया था ना ऊपर से जो सिस्टर आ रही थी ना, वो सभी यहीं पर अभी रुके हुए, मैंने सोचा सब निकल गए होंगे, पर ये छोटी मोटी ये नहीं है, बहुत बहुत कितना कितना किलोमीटर के अंदर ये, मतलब कितना इसकी लेंथ क्या है? क्यों भैया? 10 मिनट नहीं, मिनट तो है, पर वो आधा किलोमीटर कितना मीटर में? अच्छा आप साथ में? अच्छा मैं सोच रहा आप गांव के कोई गाइड हो। नीचे खड़े उधर, ये देख सकते हो। नहीं रुको, उधर से जैसा नहीं जा रहा मैं तुम्हें, ओ भाई जाना तुम। तो देखिए ये मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ एक्चुअली, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिस्टर हैं, बहुत सारी जो है वो लेडीज हैं जो निकल रही है, और वो ट्रिक अपना रही है, मतलब निकलने के लिए ऐसे कुछ आड़े तिरछे होकर। लेकिन मतलब अकेले कभी भी ऐसी गुफा में ना घुसे तो बेहतर है, मतलब कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो आपके साथ या कुछ हो, क्योंकि यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, कि आप किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते हो ज़्यादा, और आएंगे तो आपकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी अगर आप बाय द वे ऐसी जगह पर घुस गए तो हमेशा कभी भी आप किसी पहाड़ के अंदर घुस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो पहले आप है ना ये शोर रखो कि आप कुछ भी करो। ये ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट और इतना डिफिकल्ट तरीके से जाते हैं, तो ये सर रिस्क क्यों लेते हैं लोग यार, क्यों सेफ काम नहीं करते हैं ऐसा? अब ऐसा बताते हैं ना कि यहाँ से ऊपर आप एक बार अंदर आ गए तो आप रिपीट ऊपर नहीं जा सकते हो, और यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है जहाँ से कूद फलांग के जा सकते हो, मतलब समझ सकते हो। बहुत सिस्टर, दोनों सिस्टर
जो है आप निकल रही है और अंधेरा इतना है कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ये एक्चुअली पूरे पहाड़ी पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, इन्हीं पत्थरों के बीच में इन्हें निकलना पड़ रहा है। ये देखिए देखिए इतना ज्यादा यार कुछ भी मामला खराब है यार, बहुत ज्यादा फंस गए लेकिन निकलना भी तो है। बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं निकलने का, लेकिन ना देखिए आप किस ये जो सिस्टर उतर रही है ना, इन्हें एक्सपीरियंस है, टू टाइम आ चुके हैं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, मैं सबसे लास्ट में रहने वाला हूँ और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फर्स्ट न्यू हूँ। ये अरे माय, मेरे ऊपर भी कोई नहीं आ रहा है नहीं। वो देखना सिस्टर 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 का पैर फिसला है शायद और गिरते गिरते बच्चे, वैसे गिरने में ज़्यादा नीचे आदमी जाएगा नहीं ज़्यादा, बहुत बाप रे बहुत ज़्यादा टिपिकल, ये सिस्टर चली गई है। हाँ सिस्टर मेरी हेल्प कर देना, मैं नहीं तो ऊपर भी नहीं जा पाऊंगा, नीचे भी नहीं आ पाऊंगा। ये मैं सिस्टर को दे रहा हूँ अपना बैग, ये मैंने अपना बैग दे दिया जो कैमरे का बैग था, अब मैं बस कुछ नहीं बचा है मेरे पास। ये सिस्टर के साथ मैं भी जाऊंगा, सिस्टर निकल जाए बस। ये बहुत गहरी संकरी पता नहीं क्या क्या, ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, हल्का सा आपको एक वो छेद दिखाई दे रहा है, उसी में से निकलना। ये देखिए अरे बाप रे इतनी टफ। चलिए अब मैं निकलता हूँ, सिस्टर निकल गई है, अब ये सिस्टर के हेल्प से जा रहा हूँ और अगर गिरेंगे तो वो सिस्टर पकड़ेंगी मुझे, ऐसा बता रहे। और बाप रे ये मेरा चश्मा अड़ गया है और ये एक्चुअली ये मैं निकल रहा हूँ, ये ओ माय गॉड यहाँ बहुत फिसलन जैसी स्थिति है। भैया मेरी स्टैंड पकड़ लेना यार, ये आप, ये मैं रस का रहा हूँ सिस्टर, ये मैंने अपने ओ क्यों क्यों भैया कोई पत्थर तो नहीं गिर जाएगा ना यहाँ से? हाँ यार बहुत भारी पत्थर है, बाप रे इतने पत्थर जमे हुए हैं यहाँ पर यार, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन भैया मेरे को आप तक भेजना है। ये देखना ये भैया बैठे हैं, ये मुझे नीचे उतारेंगे क्योंकि मैं तो फंसा हुआ हूँ बिल्कुल। क्या बात यार, बहुत धन्यवाद यार भाई साहब, यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरा बैग पकड़ा, मेरी स्टैंड पकड़ी और मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और आपको इधर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये बाहर नीचे की जगह है और ये गुफा है, देखिए आप गुफा इतनी, और इसी गुफा में से मैं निकला हूँ। हाँ मैं सबका लूँगा, मैं सभी को बताऊँगा कि ये सभी निकले हैं। एक्चुअली मैं जो जो ये सिस्टर निकले ना, सारी जो दिख रहे ना आपको, ये बहुत ईजी निकल गई होगी लेकिन मेरे तो बहुत रोंगटे खड़े हो रहे थे। जिंदगी में कभी नहीं घुसना ऐसे, और अगर आप घुसो ना ऐसे गुफा में तो किसी को इन्फॉर्म करके जाओ कि भैया मैं जा रहा हूँ, अगर नहीं आऊँ ना तो आ जाना लेने, है ना पता। फाइनली दोस्तों आज यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा और बारिश भी होना शुरू हो गई है, तो घर कम से कम 80 किलोमीटर दूर पड़ेगा तो निकलूँगा। कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको पसंद आया है, ऐसी जगह आपको और भी घूमना है तो मैं आपको घुमाऊँगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखना, है ना। देखिए मेरे पीछे का व्यू, वाओ गुड कमाल है यार, बहुत शानदार जगह पर आया था मैं घूमने, है ना। देखिए ये देखिए पीछे पूरा नज़ारा, टू मच गुड टू मच। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।